ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले दो टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीज का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। वेल, दैट इज प्रधानमंत्री मोदी, जो 100 दिनों में सरकार की क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन सब के ऊपर ऑफकोर्स डिटेल में बताते हुए। लेकिन अगर हम 100 दिन देखें तो यहाँ पर कमोडिटीज़ में भी काफ़ी कुछ हुआ है। एक्चुअली वो पूरी लिस्ट यहाँ पर है लंबी सी, लेकिन फ्राइडे यहाँ पर सरकार के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बिजी भी रहा, बिकॉज एक के बाद एक हमने बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हुए देखे एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिहाज से। अब इस पर क्या सरकार की सोच रही है और क्या इसका इम्पैक्ट रह सकता है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। आई एम अज्यूमिंग आपके लिए वीकेंड बहुत बिजी रहा होगा, जिस तरह का इंपैक्ट हमने यहां पर आता हुआ देखा है। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस रहा। आई एम अज्यूमिंग कि काफी सारी कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी बिटवीन मिनिस्ट्रीज, बिटवीन डिपार्टमेंट्स यहां पर चलती रही होंगी, लेकिन जिस तरह से हमने एक के बाद एक जो भी रुके हुए थे, जो भी डिमांड थी, सब यहां पर क्लियर होती हुई नजर आई, तो सरकार का इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस और क्या बातचीत रही? देखिए, सरकार के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनका हित संरक्षण करना ये सर्वोपरि होता है, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी एक रीजनेबल प्राइसेस में चीज़ों को उपलब्ध कराना, खास करके जब वो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे प्याज है या दालें हैं, इन सभी को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वो सभी के लिए एक रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में वो उपलब्ध भी रहें, तो यही थॉट प्रोसेस रहा है। इस समय जो आपने देखा कि एक बहुत अच्छी हमारे रेनफॉल रही है थ्रू आउट द कंट्री, और जिससे जो खरीफ की फसलें हैं उनमें जो बुआई हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, तो ये भी एक कारण था कि किस प्रकार से फार्मर्स को भी खुश रखा जाए और कंज्यूमर्स को भी खुश रखा जाए। एब्सोल्युटली, तो एक वो फाइन बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा निधि जी, बट आई एम अज्यूमिंग कि जिस तरह के नंबर्स फिलहाल हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं सभी इंडस्ट्री की तरफ से, एक थम्स अप फिलहाल है। अगर एक एक कमोडिटी यहाँ पर लें और आप उसके पीछे एक सेंस हमें यहाँ पर समझा सकें, और सबसे पहले पल्सेस से शुरुआत करते हैं, और येलो पीस का जो फ्री इम्पोर्ट एक्सटेंशन आया है, आप उसे कैसे देखती हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इम्पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है? तो करीब 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो पीली मटर है वो आ चुकी है इंपोर्ट से, और उसकी वजह से फायदा ये हुआ हमें कि पिछले 2 वर्षों में, कंसेक्यूटिव वर्षों में, जबकि तूर और चना की जो उपज थी उसका जो उत्पादन था वो इंपैक्ट हुआ था, तो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए येलो पीस ने बहुत अच्छा एक उसका रोल था, और इसी कारण से इसको एक्सटेंड किया है 31st अक्टूबर से बढ़ा करके 31st दिसंबर तक। जी, आपको लगता है जिस तरह की कमी थी यहाँ पर बाकी दालों में, पीली मटर उसको आगे भी यहाँ पर पूर्ण करती रहेगी, और जिस तरह से यहाँ पर अब हम आवक आता हुआ देखेंगे नई MSP पे, जो खरीद की बात यहाँ पर सरकार ने की है, कैसे देखती हैं आप उसे? हाँ, मैं समझती हूँ कि जैसे अवेलेबिलिटी अधिक दालों की होने से सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को होता है, बाजार में किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होता, और एक सेंटिमेंट बाजार में रहता है कि हमारे पास
एक अच्छी मात्रा में सभी दालों की उपलब्धता है। अच्छा, येलो पीस जो है वो काफी हद तक सब्स्टिट्यूट करती है चने की दाल को, और कुछ हद तक तूर में भी। इस तरह से उसका एक अच्छा अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है, प्राइसेस को भी मॉडरेट रखता है। निधि जी, आप दालों को लेके स्पेशली क्या कुछ और स्टेप्स आने वाले हैं, कुछ और बातचीत है, रिप्रेजेंटेशंस तो आपके सामने बहुत सारी हैं। मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि जो तुअर की दाल है इसका भी जो बुआई हुई थी वो बहुत अच्छी हुई है, जी और इसकी फसल बहुत ही बढ़िया आएगी। हम लोग नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन ग्लोबली जो तुअर दाल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो इम्पोर्टर्स उसे भी इम्पोर्ट करके उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो तुअर के प्राइसेस में कमी आएगी, निश्चित रूप से कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसके साथ साथ उड़द की दाल में भी एक अच्छा संकेत है। हमारे पास जो इम्पोर्ट म्यांमार वगैरह से हुआ, और आगे चल करके जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो रहा है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, एक अच्छी मात्रा में ये भी उपलब्ध होगी। निधि जी, बात अब यहाँ पर अगर राइस की करें तो बासमती का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तो यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन नॉन बासमती के ऊपर अभी तक कोई स्टेप नहीं आया है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बासमती इंडस्ट्री तो ऑफकोर्स आपको फुल थम्स अप यहाँ पर दे रही है, लेकिन इंतज़ार अभी यहाँ पर नॉन बासमती पारबॉयल राइस पर है। तो देखिए, जैसे बासमती में एक तरह से एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोला गया है, इससे जो भारत का बासमती राइस में जो एक पोजीशन है वो बरकरार रहेगा, और एक्सपोर्ट अच्छा होने से फार्मर्स को भी अच्छे दाम मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो नॉन बासमती है उस पर भी उस पर भी विचार चल रहा है। मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। ऑल राइट, अनियन के ऊपर भी कहाँ पर काम किया गया है? ऑफ कोर्स महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट स्टेट भी है, आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, माना यह भी जा रहा है कि सरकार यहाँ पर किसानों का भी ध्यान रख रही है, इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? जिन अनियन ग्रोअर्स प्रोड्यूसर से हमारी बात होती है उन्होंने कहा है कि फसल बहुत अच्छी है, और जब दिवाली के आसपास आनी शुरू होगी तो भाव और भी यहाँ पर नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। प्याज में आपने काफ़ी काम किया है, और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से अब क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खरीफ की जो सोइंग है, यदि हम गत वर्ष से देखें तो गत वर्ष अगर 2.29 लाख हेक्टेयर में बोया गया था, इस वर्ष वो बढ़ करके 3.65 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि प्राइसेस अच्छे मिलने से प्याज में फार्मर्स ने अच्छी बुआई की है, और इस बार बहुत सारे स्टेट्स में, सभी वर्चुअली सभी स्टेट्स में जो बुआई हुई है वो काफी मतलब अगर एकरेज देखा जाए तो बढ़ा है। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी हमें दिवाली के आसपास बहुत अच्छी रहेगी अनियंस की। जहां तक अभी की बात है, हम लोगों ने जो रिटेल इंटरवेंशन है हमारे बफर स्टॉक से, तो जिन जिन शहरों में प्राइसेस बढ़े हैं और जहाँ पे ह्यूज कंजम्पशन की मात्रा दैनिक रूप से होती है, वहाँ पे रिटेल इंटरवेंशन प्रारंभ कर दिया है। तो ये हम लोगों ने 5 सितंबर से प्रारंभ किया था, और जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में ही कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जहाँ प्राइसेस 60 के आसपास थे 5th को, वहाँ प्राइसेस घट करके 55 रुपीस आ गए हैं, तो 60 से घट करके 55। इसी प्रकार से बॉम्बे में प्राइसेस जो है वो मुंबई के प्राइसेस 61 रुपए थे और वो घट करके 55 हो गए हैं। तो इससे एक इम्पैक्ट आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि रिटेल इंटरवेंशन से जब हम डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं तो मार्केट में भी प्राइसेस रिड्यूस होते हैं। निधि जी, रीसेंट बारिश, जैसे आपने कहा बुआई अच्छी खासी है, काफ़ी ज़्यादा फसलों में ये माना जा रहा है कि हम अच्छा प्रोड्यूस आता हुआ देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से कहीं डैमेजेस भी हैं, क्या उसकी अब तक असेसमेंट की गई है? कुछ डैमेज हुआ है, जैसे करनूल में करीब 25% जो एरिया है उसमें हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारी जो बुआई है वही काफ़ी अधिक हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले, तो इस प्रकार से छोटी मोटी घटनाएं हैं,
जहां पर की अधिक बारिश से प्याज की जो फसल है थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी। निधि जी, ऑल्सो साथ ही अगर यहाँ पर बात खाने के तेल की जाए तो यहाँ पर सरकार की तरफ से काफ़ी अनाउंसमेंट्स रहे हैं, एमएसपी बाइंग महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका में, और उसके बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। तो क्लियरली किसान के हित में, और फिर इंडस्ट्री, क्योंकि उनको मार्जिन्स नहीं मिल रहे थे, आपने उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा है। कुछ चिंता अब ये है कि सडनली फेस्टिवल्स के पहले यहाँ पर इमिजिएटली क्या एमआरपी बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इंक्रीज किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऑन क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड पाम ऑयल, ये एक तरह से दर्शाता है कि बनिस्बत के रिफाइंड ऑयल्स में जहाँ पे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है 12.5% से 32.5%, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ बेटर जब प्राइसेस होंगी तो फार्मर्स भी उसके रियलाइजेशन के लिए, बेटर सोइंग के लिए बढ़ेंगे। पर आपको एज ऑफ नाउ कोई चिंता नहीं है कि प्राइसेस फेस्टिवल से यहाँ पहले बढ़ेंगे? ऑफ कोर्स हमने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा किए बहुत हैं ज़्यादा, सस्ते बिल्कुल, जी तो इसलिए हाँ। वो सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं ताकि इस तरह के निर्णय का अगर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता भी है तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि एक बहुत ही सॉफ्टनिंग और मॉडरेट प्राइसेस रहेंगे इस बार के त्योहार में। निधि जी, एक और चीज़ यहाँ पर अब गेहूं में है, जहाँ पर भी एक अच्छा स्टेप लिया गया है। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स ओएमएसएस की सेल्स तो आएंगी ही, लेकिन साथ ही साथ अब रिटेल, होलसेल, एफएमसीजी कंपनी ज़्यादा वीट होल्ड कर पाएंगी फेस्टिविटीज़ को देखते हुए। तो क्लियरली सभी तरफ आपने यहाँ पर एक ध्यान दिया है, सब मिनिस्टर्स ने एक साथ जुट बैठ के यहाँ पर ये काम किया है। गेहूं में आपको यहाँ पर क्या लगता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इंडस्ट्री ये भी कहती है कि शायद इम्पोर्ट ड्यूटी खोल दी जाएगी, क्या एट ऑल मिनिस्ट्री में उस चीज़ को लेकर विचार है? देखिए, इस तरह के स्पेक्यूलेटिव विचारों पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ इतना ही आशा दिलाना चाहूंगी और भरोसा दिलाना चाहूंगी कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स के हितों की संरक्षण को देखते हुए ही जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें कि सभी वर्गों के लिए ये एक बेहतरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने भी जो स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं और अभी जिस तरह से रबी में वीट की सोइंग होगी, इन सभी का बहुत ही सकारात्मक इस पर इम्पैक्ट रहेगा। निधि जी, एक और चीज़, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आपको अक्रॉस इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर आते हैं, आई एम अज्यूमिंग कुछ बहुत अभी भी यहाँ पर पड़ा होगा। आगे जाकर अब जो स्टेप्स यहाँ पर लिए जाने हैं, और जैसे आपने कहा कि कैलकुलेशन सब की गई हैं, प्राइसेस शायद चीज़ों के बढ़ेंगे बिकॉज ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, कई जगह पर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन दैट सेंस क्या कैलकुलेशन कर रही है, कितना प्राइस राइज से आप ठीक रहेंगी, आपको लगता है कि विद इन दैट है? नहीं, आप अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के मुताबिक इट हैज रिमेन्ड बिलो 4% फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ, यानी कि लगातार 2 महीनों से 4% के नीचे रहा है। यदि हम फूड इन्फ्लेशन देखें तो भी वो लगभग 9% से ऊपर था, वो घट करके 5.4 था लास्ट मंथ और 5.6 अगस्त में ये हुआ। तो ये दिखाता है कि इवन फूड पे जो एक महंगाई का जो असर होता है वो भी काफी नियंत्रित किया जा चुका है, फूड प्राइसेस काफी मॉडरेट हैं, और मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाए गए हैं इसमें फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही फाइन बैलेंस चुना गया है, दोनों ही के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। नहीं दीजिए, एक फाइनल सवाल, और काफ़ी हद तक ऑफ कोर्स जिस तरह से सरकार यहाँ पर स्टेप्स लेती है, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज़ में उनको लेने भी पड़ते हैं, हमेशा मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इंडस्ट्री डेफिनेटली वो चाहेगी। अब एक डायनमिक पॉलिसी की बात है, बेस्ड फार्मूला के ऊपर यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ रखी जाएँ, ताकि इंडस्ट्री अपने एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पर संभाल सके, उसके ऊपर कुछ विचार है? आपने देखा होगा कि किस तरह से एनसीसीएफ और नैफेड एक तरह से फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हर फसल के से स्टार्ट करने से पहले।
आइडिया बीइंग कि अगर इनमें जो दाम है यदि गिरते हैं तो नेफेड और एनसीसीएफ पूरी तरह से सारा जो दालों की जो उपज है वो 100% प्रोक्योर करेगी एट एमएसपी। और अगर मान लीजिए कि उन्हें बेहतर दाम बाजार में मिलता है तो जो किसान हैं वो फ्री रहेंगे कि वो उन्हें बाहर भी बेच सकें। इस तरह के कदम को उठाने के पीछे एक ही मंशा है कि हम अपना उत्पादन बेहतर करें। जब हम अपने उत्पादन को बेहतर करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट की भी जो व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से चलेगी और डोमेस्टिक मार्केट में भी कंज्यूमर्स के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और एट अफोर्डेबल प्राइसेस उपलब्ध होंगी। निधि जी, एक और चीज़ है, गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोक्योर करना चाहिए, मशीनरी वहाँ लगानी चाहिए, या फिर पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं लॉन्ग टर्म की फेयर ट्रेड अपने आप ही देखने को मिले? मेरे समझ से जो बफर स्टॉक का जो एक तरह से उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि जब बहुत अधिक महंगाई हो तब फिर इंटरवीन करना, अदरवाइज देश में फ्री ट्रेड पूरी तरह से हर जगह पर उपलब्ध, मतलब उसे पूरी तरह से फ्रीडम है और मार्केट फोर्सेस अपनी काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ इस कार्य को करती भी हैं। लेकिन सरकार को ये भी देखना होता है कि कहीं स्पेक्युलेटिव ट्रेड ना हो, कहीं पर अनावश्यक रूप से अनुचित लाभ कमाने के नज़रिए से लोग प्राइसेस को काटल करके बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो इन सब उद्देश्यों के लिए ही बफर स्टॉक्स से इंटरवीन किया जाता है। मैं समझती हूँ कि प्रोक्योरमेंट भी एक तरह से फार्मर्स को सपोर्ट करता है कि बहुत अधिक जब हार्वेस्ट आता है उस समय अचानक अगर सरकार की वो सपोर्ट की नीति ना हो तो काफ़ी हद तक मार्केट एक एक्सप्लॉइटेटिव प्राइस पर उन्हें किसानों से ले सकता है। तो इस तरह से किसानों की भी संरक्षण होती है क्योंकि प्रोक्योरमेंट सरकार की ओर से होता है। फेयर पॉइंट। निधि जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो सारे ही जो सरकार के स्टेप्स हैं उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या कॉन्वर्सेशन है, क्या बेस है, वो सब हमारे साथ डिस्कस भी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अपना समय बिताने के लिए। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे ट्रेड एक्सपर्ट से, उनसे जानेंगे ऑफकोर्स जिस तरह के सरकार ने स्टेप्स लिए हैं उसके रिएक्शंस। इंडस्ट्री को काफी सारा फायदा भी। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं, वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। क्लियरली काफी बड़े फैसले और उनका रिएक्शन भी, और निधि खरे जी ने हमसे डायरेक्टली बात भी करी और बताया कि क्यों लिए गए हैं फैसले और उनके पीछे क्या मंशा रही। अजय जी, गेहूं के लिए फाइनली ऑफकोर्स वो OMSS आना अभी बाकी है, लेकिन और इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो एज ऑफ नाउ उसके ऊपर बात नहीं करना चाहेंगी, लेकिन जो स्टेप एज ऑफ नाउ लिया गया है उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। ये एग्जैक्टली रिप्ले है लास्ट ईयर का, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो है कम अक्टूबर और हरियाणा के चुनाव खत्म होंगे और OMSS भी आ जाएगा, और ये जो स्टॉक लिमिट है 5,000 से 2,000 घटाई हुई है, दरअसल इसका जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, एक जरूर उम्मीद की जा सकती है कि जो एक तेजी का रुख था बाजारों में वो फिलहाल के लिए जो है रुक जाएगा, और जब तक OMSS आएगा उसकी क्वांटिटीज जो है आगे नेक्स्ट स्टेप डिटरमिन करेगी। अब यहाँ से इमीडिएट इम्पैक्ट आज जी प्राइसेस में क्या आया है और क्या एक्सपेक्टेशन है? अब प्राइसेस सबड्यूड ही है क्योंकि OMSS एक्सपेक्टेड था कई दिनों से, पिछले एक डेढ़ महीने से जो है ढंडोरा पिट रहा है कि आ रहा है गेहूं, गवर्नमेंट का जो है बम्बार्डमेंट आ रहा है, इसलिए ट्रेड भी साइलेंट है। और मेन ये देखने वाली बात है कि 5.5 मिलियन टन जो उनका टारगेट है अगले 5-5.5 महीने के लिए, उससे जो है बाजार की पूर्ति हो पाती है कि नहीं, ये एक मुख्य सवाल। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है आगे जाके किस तरह का प्राइस रेंज यहाँ पर रह पाएगा? मुझे तो लगता है रेंज बाउंड रहेगा जब तक या तो डिमांड में सर जाएगी या सरकार का जो एलोकेशन है वो बहुत मीजली रहेगा और नाम मात्र रहेगा, तो जरूर जो है बाजार में घबराहट फैलेगी और वापस जो है बाइंग स्प्री आ जाएगी।
ऑल राइट, तो अगला स्टेप अब यहाँ पर OMSS है, उसके अलावा उस इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर गर्ग, आप कैसे देखते हैं और यहाँ से आपको क्या लगता है, बासमती तो हो गया, वहाँ तो हमने एक स्टॉक रिएक्शन, प्राइस रिएक्शन भी आता हुआ देखा, नॉन बासमती को लेकर जैसे निधि खरे जी ने कहा बातचीत जारी है, अभी कुछ तय नहीं है, आ सकता है, आपने कैसे रीड किया उन सेंटेंसेस को? देखिए, ये सेंटेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को करना तो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर नॉन बासमती के अंदर, देखें व्हाइट राइस का भी, जो हमारा नॉर्मली 6.4 मिलियन टन की एक्सपोर्ट होती थी तो वो घटकर 4 लाख टन पर रह गई है, जिससे आज किसानों को भी बहुत अच्छे अपने फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा, 44,500 करोड़ का जो गवर्नमेंट अपना स्टोरेज के ऊपर खर्च करती थी, यदि इसको एक्सपोर्ट को नहीं ओपन किया जाता ओपन ट्रेड के अंदर और पूरे बिजनेस के अंदर प्राइवेटाइज नहीं किया जाता विदाउट किसी भी सरकारी संस्था को इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि यदि इसको ओपन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस पूरे व्यापार के लिए तभी अच्छा है कि जबकि पूरा व्यापार ओपन हो, सभी व्यापारी लोग उसको कर पाए, तभी इमीडिएटली जो इसको जो 1,05,000 करोड़ का मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज बोझ एक्स्ट्रा पड़ेगा यदि नॉन बासमती को नहीं खोला गया इमीडिएट प्रभाव से, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्टर्स को काम करने में टाइम लगेगा, मार्केट को बनाने में टाइम लगेगा। तो हम इससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी भी मूवमेंट पर नॉन बासमती का एक्सपोर्ट और खासकर व्यापारियों के लिए ओपन मार्केट में खोलेगी बगैर किसी संस्था को इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि काफी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि उनके थ्रू ये एक्सपोर्ट हो, और पूरे हमारी गवर्नमेंट से मांग है इसको फ्री किया जाए जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई वजन भी ना पड़े और किसानों को उसका मूल्य पूरा प्रॉपरली मिल सके। जैसा बासमती में देखें कि बासमती का MEP जो हमारी डिमांड थी इमीडिएटली गवर्नमेंट ने इसको माना और इसको एबोलिश कर दिया, पूरा हटा दिया। इसको हटाने के बाद जो 25 रुपए केजी पैडी बिक रही थी मंडी के अंदर, आज सिर्फ 3 दिन के अंदर आज 30 रुपए किलो वो पैडी बिक रही है। तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि सीधा 20 से 25% का किसान को डायरेक्ट फायदा पहुंचा है। यदि इसको हम किसी संस्था के थ्रू करते, इसको भी इसी तरीके से करते तो वाकई किसानों को डायरेक्टली लॉस होता, इसके अंदर हर किसान फायदा ले पाएगा। और जल्दी ही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको मानेगी और इसको ओपनली सभी के लिए हटा देगी। यही हमारी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से डिमांड भी है गवर्नमेंट से। वेल, एब्सोल्युटली, और उन्होंने कहा भी कि हाँ अंडर कंसिडरेशन है लेकिन अभी कोई फैसला यहाँ पर लिया नहीं गया है, लेकिन इंडस्ट्री को होप है कि बहुत जल्दी वो भी आता हुआ नजर आएगा। नीरव देसाई जी, बहुत बड़ी खबर और आप बहुत फटाफट से उसको एनालाइज भी कर रहे थे, भेज भी रहे थे और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी 20% की वो आता हुआ नजर आया भी, लेकिन ट्रेड को शायद एक आइडिया था, हमने ऑलरेडी उसको प्राइस इन होते हुए भी देखा था, अब किस तरह की सिचुएशन है, सेटल डाउन हो गए? तो जैसे कि हर बार ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, रूमर बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी लास्ट 10 दिनों में, लास्ट 3-4 दिनों में 10% से 20% की भी एक्सपेक्टेशन आ चुकी थी। फिजिकल मार्केट्स ने 50-70 रुपीज का पर 10 kg का प्रीमियम भी बना लिया था क्रूड ऑयल्स में, तो काफी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट जंप फिर भी मैं बोलूंगा बहुत बड़ा रहा है, 20% का इंक्रीज, नेट इम्पैक्ट 22% का हायर और 145 रुपीज पर 10 kg का हायर प्राइस हो गया है। सो ये मार्केट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक्सपेक्टेशन बड़ी स्ट्रांग थी बट आई वुड से के कंज्यूमर एंगल से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में। जहां फार्मर एंगल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक सोयाबीन के क्रॉप को मात्र MSP पे प्रोक्योरमेंट, क्योंकि कितना एफिशिएंट ये MSP प्रोक्योरमेंट होता हमें नहीं मालूम था। अब मैं बोलूंगा कि आज अगर ये 150 रुपए पर 10 kg का तेल का इंक्रीज आया है तो वो सोयाबीन में भी परकुलेट डाउन करेगा। अब 4,800-4,900 का बीन्स मुझे लगता है ब्रॉडली किसान का संभल के बिक जाएगा। तो जो फार्मर ड्रिवन ये एक्टिविटी करी है, 2 MSP प्रोक्योरमेंट और 22% नेट इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, ये दोनों ही मुझे लगता है कि फार्मर को हेल्प करेगा। नीरव, इमीडिएटली कंज्यूमर के लिए यहाँ पर किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी, 10 से 15 रुपए किलो मान के चले? जैसे मैंने कहा 50 से 70 रुपए इसमें ऑलरेडी बढ़ चुके थे, मार्केट ओवरऑल 180-190 रुपीज की ड्यूटी हाइक में अबाउट 150-140 तो बोलने लगा है, तो मैं बोलूंगा कि अनदर 50-70 रुपीज बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे मार्केट ये पूरा 180-190 रुपीज का डिफरेंस कवर करके मार्केटिंग होने लगेगी। आई वुड से अभी मुनाफा वसूली है, जिनके पास ड्यूटी पेड माल है वो थोड़ा एक्टिव रहेंगे 10-15 दिन, बट क्योंकि लार्जली एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है,
15-20 दिन में हमको नए इम्पोर्ट ड्यूटी के पैरिटी से बेचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो इमीडिएट फर्स्ट रिएक्शंस भी देने के लिए। आपका नीरव और डॉक्टर गर्ग, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने को, और इंडस्ट्री को काफ़ी कंग्रेचुलेशंस। और जैसे निधि करे भी हमें बता रही थी कि एक फाइन बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है किसानों और कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के साथ, और आगे जाके कुछ और स्टेप्स की एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।